व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी का एक्सपर्ट। तो लास्ट एपिसोड वन में जो हमारा टॉपिक था वो था प्योर गोल्ड की मिक्सिंग के हवाले से, और उस वीडियो का जो सजेशन लिंक है वो मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा, तो आप अगर वो दोबारा देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। तो आज जो बातें और जो मेथड मैं आपको बताऊँगा उसकी हेल्प से आप खुद घर बैठे 24 कैरेट गोल्ड या किसी भी कैरेट गोल्ड का रेट खुद निकाल सकते हैं, इंटरनेशनल जो रेट इशू हो रहा होता है डॉलर्स में उसके अकॉर्डिंगली। चूंकि कुछ थोड़ी सी थ्योरी ऐसी भी है कि जो गोल्ड का रेट पाकिस्तान में जनरली मार्केट में चल रहा होता है और जो इंटरनेशनली इशू हो रहा होता है, सम टाइम वो मैच नहीं करता कारोबार के हालात और इन चीज़ों को देखते हुए। जो यहाँ पाकिस्तान में रेट इशू करते हैं वो कुछ 500-1000 रुपये तोले का फ़र्क जो है वो कर लेते होते हैं, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखना चाहें तो आप खुद चेक कर सकते हैं। उसके लिए जो मैं चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आप इसको देखें, तो इसके ऊपर जो डिटेल मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे निकाला जाता है। जी व्यूअर्स, तो 24 कैरेट जो गोल्ड है उसका जो इंटरनेशनल रेट इशू होता है वो, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो आउंस में होता है, यानी 1 आउंस। अब आप इस चार्ट पे देखेंगे कि 31.100 मिलीग्राम्स जो है वो 1 आउंस में गोल्ड होता है, 1 आउंस में जो वेट होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस पे जो प्राइसेस मेंशन की हुई, ये टेंटेटिव हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑनलाइन देखी थी, तो आप भी इसको चेक कर सकते हो। तो US डॉलर में जो 1 आउंस का जो रेट चल रहा था वो चल रहा था $1710 पर आउंस। तो अब चूंकि ये आउंस में है, इट मींस कि ये 31.100 मिलीग्राम्स जो गोल्ड है उसका रेट आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना है पाक रुपीस के अंदर, तो ये जो $1710 हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 160 से, जो कि $1 की प्राइस है पाकिस्तान में। तो जो 31.100 मिलीग्राम की पाक रुपीस में प्राइस बनती है वो बनती है 273,600 पर आउंस। तो अब सबसे पहले करना क्या है कि हमें जो ये पर आउंस है इसको पर ग्राम में शिफ्ट करना है। तो पर ग्राम में जो हम शिफ्ट करेंगे और उसको निकालने की जो कैलकुलेशन है वो भी बड़ी सिंपल है, कि ये 273,600 रुपीज़ को हम डिवाइड कर देंगे टोटल वेट पे, यानी 1 आउंस पे, यानी 31.100 ग्राम्स पे। तो जो 1 ग्राम की प्राइस निकलती है वो निकलती है 8797 पर ग्राम 24 कैरेट की। 8797 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 तोले से, तो 1 तोले में जितने ग्राम्स होते हैं हमें उससे मल्टीप्लाई करना है तोले का रेट निकालने के लिए। अब एक दफ़ा आप इस चार्ट को पढ़िए कि 24 कैरेट जो ब्रिक है 1 आउंस की, उसका वेट है 31.100 मिलीग्राम्स। US डॉलर में जो 1 आउंस का रेट है वो है $1710। तो 160 से ज़रब दे के जो हमने पाक रुपीज़ में 1 आउंस का रेट बनाया वो बनाया 273,600, इसको डिवाइड किया 31.100 मिलीग्राम पे, तो 1 ग्राम का रेट प्योर गोल्ड का निकला 8797। अब 1 तोले सोने में चूंकि 11.664 मिलीग्राम होते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 8797 को 11.664 से, तो 24 कैरेट का पर तोला रेट हमारे पास आ जाएगा 1,02,600, यानी 1,02,600। अब देखें 1,02,600 जो गोल्ड का रेट निकला है वो 24 कैरेट का निकला है। अब हमें 22 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 21 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सबसे नीचे देखिए कि आप 24 कैरेट का जो रेट निकाला है उसको 24 पर ही डिवाइड करेंगे। 24 पर जब आप डिवाइड करेंगे तो जो रेट आपके पास निकलेगा वो निकलेगा 1 कैरेट गोल्ड का। अब आपने 22 का रेट निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 22 कर दें, आपने 21 का निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 21 कर दें। तो ये बड़ा सिंपल मेथड है, तो इससे जो भी जिस कैरेटेज का भी गोल्ड रेट आप निकालना चाह रहे हो वो आप निकाल सकते हो। जी व्यूअर्स, तो एक और चीज़ साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान में हर किसी को ज़कात का हिसाब निकालना होता है, और शॉप पे भी आजकल तो वैसे लॉकडाउन है, लेकिन जैसे लास्ट रमज़ान भी तो मैं बहुत सारी कॉल्स लेता हूँ सिर्फ इसीलिए कि जो लोग पूछते हैं जी हमारा ये टोटल गोल्ड वेट है तो हमें ज़कात का सोना बता दीजिए कितना है।
मोस्टली लोगों को तो ये पता है, लेकिन ये मैं उनके लिए एक आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि जिनको नहीं पता तो वो ख़ुद भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, इसका भी जो चार्ट मैंने एक छोटा सा बनाया है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप उसको देखिए। जी, तो ज़कात कैलकुलेशन का बिल्कुल इजी मेथड है कि जो टोटल गोल्ड वेट स्टोन्स के अलावा जो आपके आपकी ज्वेलरी का आपके पास मौजूद है, आप रसीदों से भी टोटल कर सकते हैं जो टोटल वज़न आपके पास मौजूद है, या अगर आपके पास बैलेंस वेट करने वाला आपके पास कंडा है, या जो स्केल होता है गोल्ड वेट करने वाला, यूजुअली जिनके पास ज़्यादा गोल्ड होता है और उन्होंने हिसाब करना होता है वो घर में रख लेते हैं, तो उसके ऊपर आप टोटल वे करके जो भी वज़न टोटल सोने का आएगा उसका 2.5% आपने निकालना है। मीन्स के टोटल गोल्ड वेट एक्सेप्ट स्टोन मल्टीप्लाई बाय 2.5%, देन मल्टीप्लाई बाय दैट गोल्ड रेट विच कैरेट गोल्ड यू हैव, कि जिस कैरेट का गोल्ड आपके पास है आपने टोटल वज़न का 2.5% निकाल के उस कैरेट गोल्ड से आपने उसको ज़र्ब दे देना है, जो कीमत आएगी वो आपकी ज़कात की प्राइस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने इसमें दिखाया हुआ है कि 100 ग्राम को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5% से, तो ये ज़कात का सोना निकलेगा हमारा 2.5 ग्राम्स, जिसको हम 22 कैरेट होगा या 21 कैरेट होगा उस दिन के करंट रेट से ज़रब दे के जो भी हमारी प्राइस बनेगी वो ज़कात हमने देनी होगी। एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, मैंने कहा मैं आपको बताता चलूँ। जी, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप विलिंग हो बिल्कुल अथेंटिक गोल्ड बाय करने में, चाहे वो प्योर गोल्ड की सूरत में हो, चाहे वो ज्वेलरी की सूरत में हो, डायमंड्स हो, कुछ भी हो, तो आई वुड रिकमेंड सोनिका ज्वेलर्स। बिल्कुल इसलिए नहीं है कि मैं आई एम पार्ट ऑफ दैट, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हम लोग जिस तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं ना, तो हमारा वे बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल सिंपल है कि जिसमें कस्टमर को ज़्यादा उलझाना नहीं है, मुनासिब प्राइसेस हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल समझा के देते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करिएगा, और अगर आप मुझसे मिलना चाहें, मुझसे डील करना चाहें, तो मैं जब शॉप टाइमिंग जो भी होती है वहीं मौजूद होता हूँ, आप मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे डीलिंग कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट एपिसोड में एक गोल्ड का मैंने जिक्र किया था जिसको मैं सेमी प्योर का लफ्ज़ मैं यूज़ किया था। बेसिकली सेमी का मकसद ये नहीं है कि वो सोना नहीं होता, वो गोल्ड ही होता है। अब उसके भी एक इमेज मैं आपको छोटी सी दिखाऊंगा। जैसे प्योर गोल्ड जो है वो .999 से मेंशन होता है। अब ये एक गोल्ड की ऐसी फॉर्म है जो ज्वेलरी बनी हुई होती है, जब उसको लिक्विडेट करके जो हम प्योर गोल्ड निकालते हैं, ये उस गोल्ड के बारे में है जिसे पठूर कहा जाता है। अब ये पठूर होती तो 24 कैरेट ही है, लेकिन इसके पॉइंट्स .999 नहीं होते, इसके पॉइंट .990 होते हैं, और जो इसका रेट होता है बेचने का और ख़रीदने का, वो भी जो ब्रिक होती है 24 कैरेट की .999 की, उससे थोड़ा सा डिफर होता है। सपोज़ 500 रुपीज़ पर तोले का डिफरेंस या 1000 रुपीज़ पर तोले का डिफरेंस, ये इन दोनों में होता है। तो अगर आप इंटरनेशनली रेट के मुताबिक गोल्ड परचेज कर रहे हैं, देन यू हैव टू बाय अ ब्रिक, आपको ब्रिक लेनी है जो स्विस की हो या किसी भी ब्रांड की हो। जब आप लेंगे पठूर या जो लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड होता है जिसमें से इम्प्योरिटीज़ यहाँ लोकली मेल्ट करके निकाली जाती हैं, उसका रेट थोड़ा सा कम होता है ख़रीदने में भी और बेचने में भी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी बात आपने मुझसे पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वक्त मिल जाए, और दोस्तों में और फ्रेंड्स में शेयर भी करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं जो भी वीडियोस डालूंगा बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी, एंड देन आई एम 100% श्योर कि वो इन्फॉर्मेशन जनरली लोगों को नहीं पता है। और मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं दुकानदारों को या ज्वेलर हजरात को कोई भी चीज़ सेल करने में मुश्किल क्रिएट करूँ। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि जेन्युइन डीलिंग होनी चाहिए और सही बातें जो ओरिजिनली हों वो क्लाइंट तक पहुँचनी चाहिए, और इनकी हेल्प से आप दुनिया में कहीं भी होंगे, आप कोई भी चीज़ ख़रीदेंगे बेचेंगे तो आपके साथ ब्लफ नहीं होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।